डूमा कोर्ट के एक वकील से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने मुवक्किल बताकर पीड़ित के खाते से 70,000 रुपए साफ कर दिए। पीड़ित आदित्य शुक्ला की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले की साइबर सेल थाना पुलिस धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकता मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। आदित्य शुक्ला जगजीत नगर में रहते हैं। उनके पास फोन आया और कॉलर ने खुद को उनका मुवक्किल बताया। ठगों ने आरोपित को अपनी बातों में उलझा लिया। ठग ने कहा उन्हें अपने मुवक्किल से 20,000 रुपए लेने थे। पीड़ित उसके झांसे में आ गया। उसके बाद ठग ने व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भेजकर उसे खोलने के लिए कहा। पीड़ित ने लिंक को खोला, उनके खाते से 70,000 रुपए निकल गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना ये हुई थी कि हमारे अकाउंट में जो अमाउंट होता है वो उसके लिए हमने अपना जैसे ही निकालने की बात की तो सामने वाली पार्टी से बात आती है कि इस तरीके से करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो हमने कुछ नहीं किया। तो दोबारा से फ़ोन आया, फिर उसके बाद और तीसरी बार फ़ोन आया और एक तरीके से उन्होंने कंपेल किया कि आप ये इसी तरीके से नंबर मिलाओ और मिलाने के बाद फिर अपना ये नंबर जो आएगा वो हमें वापस बताओ। तो जैसे ही हमने नंबर बताया, बता के मिलाया, तो वहाँ से हमारे अकाउंट से अमाउंट डेबिट होना शुरू हो गया। सर, जो पहली कॉल आई थी, क्या कोई स्कीम बताई गई थी आपको या किस वजह से उन्होंने कॉल की थी? इधर बताएंगे। एक्चुअली ये सोशल मीडिया का आजकल की देखो बहुत कुछ, जो देखो हर चीज़ ऑनलाइन, मैं ये कहूँगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ट्रांजेक्शन से लेके, तो वकालत हमारा सीधा सच्चा पेशा है। यहाँ फ्रॉड, मैं नहीं सोचता हूँ कि इस प्रोफेशन में आगे भी इतने बड़े चीटर होते हैं, वो सब कुछ जानते हुए प्रोफाइल पे फोटो। आपको किस चीज़ के लिए कॉल आया था? जो आपने कॉल आया था उसे एक्चुअली हमारे बारे में कहीं ना कहीं जीमेल पे हमारा सारा होता ही है डाटा। अच्छा, अच्छा। तो उसके थ्रू उसे पता होगा कि ऐसे ऐसे मैं वर्किंग करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। रिगार्डिंग इस तरीके से बात की कि एज ए क्लाइंट। अच्छा। हाँ, मुझे एज ए क्लाइंट बन के उसने थोड़ा सा, सर आपकी फीस फी भिजवानी है, बहुत सारी बातें करी उसने। 15-20 मिनट बातें करने के बाद बोला सर आपकी फ़ी आनी है। तो एक विश्वास होता है, बहुत सारे क्लाइंट जुटते हैं। जब मैंने कहा भिजवानी है तो चैम्बर का एड्रेस दिया, नहीं तैयार हुआ। उसके बाद बोला है कि आप, मैं 2 रुपए सेंड करवाऊंगा गूगल पे से, अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते तो आप कॉल करो, मतलब व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा उसका प्रिंट आउट। इतना टाइम उसने मुझे नहीं दिया कि मैं कुछ सोचूं या करूं। बातचीत चलती रही, उधर ये करो वो करो, होते होते फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी 20,000 की अकाउंट से कट गई और वो चलती चली गई 70,000 में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।